कोटा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन आज स्टेशन पहुंची तो उसका स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयास से कोटा से आगरा के बीच वंदे भारत ट्रेन आज रवाना की गई। कोटा से आगरा रवाना होने पर राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर व विधायक संदीप शर्मा ने उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि उदयपुर से कोटा व आगरा के बीच यह पहली वंदे भारत ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी। आज उदयपुर से कोटा पहुंचने पर ट्रेन के चालक व गार्ड का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ऊर्जा मंत्री नागर ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से यह ट्रेन कोटा को मिली है जो कि बूंदी में भी रुकेगी। इससे पर्यटन के लिए एक सर्किट बना है जिससे सबको लाभ होगा। वहीं विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि कोटा से आगरा के लिए जो ट्रेन मिली है इससे यात्रियों को लाभ होगा, साथ ही पर्यटन को भी लाभ होगा। इससे पूर्व ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और विधायक संदीप शर्मा ने ट्रेन में बैठकर यात्रियों से बातचीत की। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश जैन सहित रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे। हम कोटा से आगरा जा रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन में बैठेंगे। अब पहली बार कोटा से ये आगरा के लिए जा रही है जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। पहले हमें मथुरा से गाड़ी बदल कर जाना पड़ता था, अब ये डायरेक्ट आगरा कनेक्टिविटी है तो उसके लिए हमें बहुत आसानी हो रही है। कितनी खुशी है वंदे भारत? बहुत खुशी। मैंने तो ओम जी को, बिरला जी जो हैं उनको लिख के भी दिया था ये कि कोटा के लिए कोई डायरेक्ट सुपरफास्ट गाड़ी हो, तो ये चली भी तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। फैमिली के साथ जा रहे हैं? बिल्कुल, ये मेरी वाइफ है और ये मेरा बच्चा है। बहुत खुशी हुई, टाइम की भी बहुत बचत हुई है इसमें। नहीं तो 6 घंटे लगते थे मुझे आगरा तक जाने में कोटा से, अब पूरे 2.5 घंटे का बचत हुआ है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा हम लोगों के लिए। आज पहली बार है, बहुत एक्साइटेड है हम लोग। तो सेल्फी भी लेंगे फैमिली? जी जी बिल्कुल, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। मेक इन इंडिया हमारे मोदी जी का जो ड्रीम था उन्होंने बहुत ही सही साकार किया है, और काफ़ी कंफर्टेबल जर्नी है, एडवेंचरस लग रही है काफ़ी बच्चों में भी काफ़ी न्यू जो ये एक तरह से लॉन्च हुई है तो इनको भी थोड़ा अलग फील हो रहा है, अलग महसूस हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। थोड़ा कुछ बताएं, सेंसर से दरवाजे खुल रहे हैं? हाँ, काफ़ी ऑटोमाइजेशन पे तो बहुत काम हुआ ही है, और जैसा कवच और इसमें सेफ्टी के लिए और ध्यान दिया है जो अपने टेक्निक है, तो काफ़ी चीज़ें, स्पेस काफ़ी स्पेशियस बहुत लग रही है। कहाँ से कहाँ के लिए यात्रा कर रहे हैं? हम कोटा से आगरा के लिए जी लेके जा रहे हैं सब यात्रियों को। पहली गाड़ी है कोटा को मिली है, अच्छा है। यात्रियों में विशेष उत्साह है? यात्रियों में विशेष उत्साह है, पब्लिक के लिए बहुत अच्छी बात है, कोटा को गाड़ी मिली है पुराने वाले टाइम में, और रेगुलर हो जाएगी ये गाड़ी, अभी तो 3 दिन के लिए है। कहाँ से कहाँ के लिए जा रही है? ये उदयपुर से आगरा कैंट के लिए, वाया कोटा हो गए। पर्यटक नगरी उदयपुर और आगरा होते हुए कोटा को जो ये सौगात मिली है, इससे कोटा का जो हमारा कोटा बूंदी का जो पर्यटन का सर्किट है, ये आगरा में अधिकतर भारत आने वाले पर्यटक आते हैं, उदयपुर आते हैं, और ये कोटा को ट्रेन से जोड़ा है। दोनों की दूरी 4-4 घंटे में सफ़र तय होगा, और एक बेहतर ट्रेन यहाँ कोटा को मिली है। इससे यहाँ हमारा चाहे वो मुकुंदरा टूरिज्म हो, चाहे वो वाटर टूरिज्म हो, ये बढ़ेगा, और यहाँ आने वालों को कोटा और बूंदी की जो हमारी धरोहर है, और यहाँ पर्यटकों की नगरी भी कोटा बने, इसके लिए इस ट्रेन की बड़ी हमें सौगात मिली है। कोटा जंक्शन जो दिल्ली बॉम्बे मार्ग पर स्थित है और बहुत महत्वपूर्ण गाड़ियों का यहाँ रुकाव ठहराव होता है, परंतु आगरा के लिए एक अच्छी गाड़ी की आवश्यकता थी, और वंदे भारत के रूप में एक बहुत अच्छी गाड़ी जो उदयपुर से कोटा होते हुए और आगरा जाएगी, एक पर्यटक सर्किट बना है जिसमें आगरा के पर्यटक कोटा बूंदी होते हुए उदयपुर तक जा सकते हैं, और कोटा चंबल नदी का ऐसे दृश्य, मनोहारी दृश्य यहाँ है। कोटा में जो है मुकुंदरा सेंचुरी भी अब अपने पूर्ण स्वरूप में आने वाली है, कोटा में एयरपोर्ट प्रारंभ होने वाला है, तो ये वंदे भारत भी उसी विकास की कड़ी में एक बहुत बड़ा नींव का पत्थर साबित होगी।